नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। चुनावी बहस के दौरान राधेश्याम पाठक नाम के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप शंभू चौधरी और उसके 3 साथियों पर लगाया। मृतक को बचाने दौड़े उसके परिजनों को भी बेरहमी से पीटा गया है। पुलिस ने कुल 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना शुक्रवार 10 मई 2024 के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना कुशीनगर के थाना क्षेत्र नेम्बुआ नोरगिया की है। यहां के गांव भगपरना में शुक्रवार को एक मंदिर के पास कुछ लोग पेड़ की छाया में बैठकर चुनावी चर्चा कर रहे थे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इस दौरान शंभू चौधरी और उसके साथ मौजूद लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात की। मौके पर अमित पाठक नाम का युवक भी था, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वकालत की। इसी बात पर दोनों पक्षों में गर्मा गर्म बहस हो गई। आरोप है कि भाजपा को वोट देने की बात पर शंभू भड़क उठा। उसने कहा कि मैं जिसे कहूंगा उसे वोट देना पड़ेगा। कुछ लोगों के बीच बचाव कर मामले को शांत किया और दोनों पक्षों को अपने अपने घर भेजा। आरोप है कि इसी रात शंभू चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ अमित पाठक के घर पहुंच गया। यहां पहुंचकर आरोपितों ने पहले पीड़ितों को गालियां दी और बाद में पूरे परिवार को बेरहमी से पीटने लगा। इस पिटाई की चपेट में अमित के अलावा उसकी 55 वर्षीय पिता राधेश्याम पाठक और 21 साल की बहन रितु भी आ गई। शोरगुल सुनकर लोग जमा हो गए। पीड़ितों ने डायल 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस के जवान आते दिखे तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। आरोपितों के नाम शंभू सीपू टिंकल चौधरी बताए जा रहे हैं। सभी हमलावर शंभू के पारिवारिक सदस्य बताए जा रहे हैं। रितु और अमित के साथ उनके पिता राधेश्याम को अस्पताल ले जाया गया। भाई बहन को मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर में भर्ती कराया गया, लेकिन राधेश्याम की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान राधेश्याम की मौत हो गई। उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतकों के परिजनों ने कुछ स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर थाने के आगे सब रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शंभू चौधरी और उसके साथियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस ने मामले को आपसी कहासुनी का बताते हुए घटना की FIR दर्ज कर ली। कई संगठनों ने राधेश्याम पाठक की हत्या पर नाराजगी जताई है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। तनाव को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।